हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की आज कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, सभी ध्यान से पढ़ो, फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीडिंग करो सभी। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, टू सॉलिड कॉन्स ए एंड बी आर प्लेस्ड इन ए सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। फिगर दे रखी है, दो कॉन इसके अंदर, ये हमने ए एंड बी, एक ए और एक बी, ये दो कोन है, दोनों की कैपेसिटी का जो रेशियो है 2:1 है, ठीक है। मतलब ए और बी में ए का वॉल्यूम बी से डबल है। फाइंड द हाइट एंड कैपेसिटी ऑफ कोन। तो कोन की हाइट बतानी है और फिर कैपेसिटी बतानी है और फिर रिमेनिंग पोर्शन का वॉल्यूम बताना है, ये वाला रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखो हमें रेडियस कितना दे रखा है, 6/2 3 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर की जो हाइट है वो दे रखी है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन बी वी, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ कोन ए हो गया 2V, क्योंकि वो उसका डबल है, बिकॉज रेशियो कितना है 2:1, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये भी लेट कर लेते हैं, हाइट ऑफ कोन ए, एच मान लेते हैं, तो हाइट ऑफ कोन बी कितनी हो जाएगी, 21 - h, ठीक है ना भाई, क्योंकि अगर हमने इसको h मान लिया तो ये 21 - h हो जाएगा, तो ये h हो गया यहाँ तक, इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है लिखना, तो ये वाली हाइट होगी 21 - h। दोनों कोन के वॉल्यूम निकालते हैं, समझ में आ जाए तो बता देना, कमेंट में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। वॉल्यूम ऑफ कोन बी, बी कोन का वॉल्यूम कितना है, 1/3 πr²h, आर स्क्वायर 21 - h, आर की वैल्यू दे रखी है 3, अगर बच्चों को समझ में आ गया है तो खुद भी कर सकते हो। अब आगे ये हमने इस कोन का वॉल्यूम निकाल दिया, फिर हम निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन बी, ये हमारा v आ गया, वॉल्यूम ऑफ कोन ए, कोन ए का वॉल्यूम कितना हो गया, 1/3 πr²h, ये किसके इक्वल है, 2V के इक्वल है ये,
लेकिन ऊपर हम बता चुके हैं कि v की वैल्यू ये है, ये किसकी वैल्यू है, v की। इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं यूजिंग वन। जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ में आ गया है पूरा वो कर सकते हो अपना आप, आगे हम कर ही रहे हैं वैसे तो। इक्वल टू थ्री पाई एच, तो थ्री पाई से थ्री पाई कट गया, यहाँ से एच की वैल्यू मिल जाएगी हमें 42 माइनस 2h इक्वल टू एच, तो h आ गया 14। तो इसका मतलब हो गया हाइट ऑफ कोन ए 14 सेंटीमीटर और कोन बी की कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। बस क्वेश्चन में क्या पूछा था, दोनों की कैपेसिटी और रिमेनिंग पोर्शन क्या है, तो करो सभी अपना आप कर सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ कोन फर्स्ट मतलब कोन ए, वॉल्यूम ऑफ कोन ए कितना हो गया, कितना था 3 पाई एच, तो 3 इंटू पाई इंटू 14, 42 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन बी कितना था, कोन बी का वॉल्यूम था 3 पाई 21 माइनस एच, 3 पाई इंटू उसकी हाइट कितनी है 6, 18 पाई नहीं 21 माइनस एच 7 आ गया। तो 21 पाई आंसर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या पूछा है, रिमेनिंग पोर्शन, तो हम निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिनका हो गया वो मेरे को कमेंट में आंसर लिखो, सिलेंडर की हाइट कितनी है। ट्वेंटी वन, इतने पाई 63 इंटू 3 189। ये इसका आ गया वॉल्यूम, और फिर रिमेनिंग क्या हम दोनों को माइनस कर देंगे, रिमेनिंग का कितना हो गया 189 पाई माइनस 42 पाई प्लस 21 पाई। इन सभी में तुम पाई की वैल्यू भी रख सकते हो, मैंने रखी नहीं है जानबूझ के। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आज की क्लास का, एग्जाम्पलर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप खुद करो, सेकंड क्वेश्चन खुद करो। सेकंड
सेकंड क्वेश्चन सभी मेरे को कमेंट में आंसर लिखो, इजी क्वेश्चन है। करो बेटा जल्दी करो, सेकंड क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64/27, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज बताना है। MCQ लिखा हुआ है, आंसर लिखे हुए हैं, आपको बताना है। दो स्फेयर हैं, एक का रेडियस मान लो कैपिटल R और एक का स्मॉल R। रेडियस ऑफ फर्स्ट और सेकंड का ये हो गया। करो सभी करो, वेट कर रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन इसी का तुम कर लो जब तक ये कर रहे हैं। ऊपर वाला जो हम बड़ा कोण ले रहे हैं स्फेयर मान लो, वॉल्यूम इतना हो गया, छोटे वाले का इतना हो गया, ये कट गया, इसको हम लिख देंगे 64/27। ये यहाँ से निकल जाएगा हमारा R और R दोनों में रेशियो। तो R अपॉन R इक्वल टू 4/3 हो गया। अब दोनों का जो सरफेस एरिया है, ऊपर वाले का सरफेस एरिया हो गया 4πr², नीचे वाले का हो गया 4πr² है ना, TSA/TSA। यहां ऐसे लिख देते हैं TSA first TSA second। तो इन दोनों का रेशियो कितना होगा, ये कट गया, R/R² 16/9, ये आंसर आ गया। तो आ गया होगा समझ में सभी को। अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन करो सभी।
थर्ड क्वेश्चन का आंसर दो सभी। ए सॉलिड पीस ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस 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 इज मोल्डेड टू फॉर्म ए सॉलिड स्फेयर देन द रेडियस ऑफ द स्फेयर। ये तो सभी को बता देना चाहिए, आसान है क्वेश्चन। करो, मैं वेट कर रहा हूँ। जिनका थर्ड क्वेश्चन हो जाए वो फोर्थ स्टार्ट करेंगे। जिनका थर्ड क्वेश्चन हो गया वो फोर्थ क्वेश्चन करो। थर्ड का आंसर 21 सही है। जिन स्टूडेंट्स ने किया नहीं है मैं उनके लिए कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, सीधी सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर स्फेयर, तो 4/3 πr³ इक्वल टू दिस। इसको सॉल्व कर लोगे सभी, 4 से ये काट देते हैं 6, और r³ इक्वल टू 49 × 33 × 3 × 6 अपॉन में 22 × 7। इसको सॉल्व करोगे तो r=21। फोर्थ क्वेश्चन करें सभी। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया।
जिनका फोर्थ क्वेश्चन हो गया वो फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। मैं फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ और जिनका फोर्थ हो गया फिफ्थ करेंगे। 12 सॉलिड स्फेयर ऑफ द सेम साइज आर मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड मेटालिक सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इतने। फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच सिलेंडर ईच स्फेयर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, स्फीयर का रेडियस हमने कैपिटल आर ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, भाई 12 स्फीयर बनाए गए हैं इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो स्फीयर का हो गया 4/3 πr³, सिलेंडर हो गया πr² h। ये सभी कैलकुलेट कर लो और इसका आंसर आ जाएगा। पाई से पाई कट गया, 16r³ इक्वल टू 1 × 1 × 16 से 16 कट गया, आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, जिनका 5 हो जाएगा वो 6 करेंगे। 5 बता रहा हूं जब तक। स्फेरिकल सेल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 4 एंड 8। इस बार उसने दे रखा है कि किस स्फेरिकल सेल है, एक का रेडियस हम आर ले लेते हैं, एक कैपिटल आर। थोड़ी फिगर सही नहीं बनी है लेकिन कोई बात नहीं। और इससे हमें कोन बनाना है,
जिसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस को हम आर वन ले लेते हैं, डायमीटर 8 है, रेडियस 4 सेंटीमीटर होगी, हाइट हमें फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ कोन, जिसको समझ में आए कमेंट में लिखना जरूर, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 πr³ - r³। इसके अंदर सभी को वैल्यू पुट करनी है, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई, आर वन की जगह 4 × 4 × h, यहाँ पे 4 × कितना रेडियस था, 4 और 2, तो 4³ - 2³, यहाँ पे भी एक 4 से 4 कट गया, तो 4h = 64 - 8 = 56, तो h = 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। सिक्स क्वेश्चन करो, और जिनका सिक्स हो जाएगा वो सेवन्थ करेंगे। सेवन्थ में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। सेवन्थ क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा है, अभी आप चाहो तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, अभी के लिए एग्ज़ाम में तो ऐसी परमिशन नहीं होगी। मैं सिक्स क्वेश्चन कर रहा हूँ जब तक। मार्बल ऑफ डायमीटर 1.4 ड्रॉप्ड इनटू ए सिलिंड्रिकल बीकर ऑफ डायमीटर 7 कंटेनिंग सम वाटर, फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट शुड बी ड्रॉप्ड इनटू बीकर सो दैट द वाटर लेवल राइजेज बाय 5.6 सेंटीमीटर। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया ध्यान से देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर। कंटेनिंग सम वाटर, मान लो इसके अंदर जो है यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या है कि इसके अंदर कुछ मार्बल डाले जाते हैं, ये मार्बल इसके अंदर डाल दिया हमने जिसका रेडियस है 1.4/2 0.7 सेंटीमीटर। ऐसे कितने मार्बल डाले जाएं, मान लेते हैं एक्स मार्बल डाले गए जिससे पानी का लेवल यहाँ तक हो गया, मतलब पहले इतना था अब पानी का लेवल इतना बढ़ गया, जिसकी हाइट है 5.6 सेंटीमीटर, इस पोर्शन की हाइट है। तो आपको बताना है कि कितने मार्बल डाले जाएंगे। तो सीधी सी बात है, जितना पानी का वॉल्यूम बढ़ा है, ये वाला पानी, ये जो पानी है जितना ये इंक्रीज हुआ है, इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ एक्स मार्बल। तो ऐसे करते हैं, देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर
सेवन अपॉन टू सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ मार्बल 0.7 सेंटीमीटर, इसको स्मॉल आर ले लेते हैं। हाइट ऑफ वाटर रेज्ड, कितना पानी बढ़ा है, 5.6 सेंटीमीटर। और लेट नंबर ऑफ मार्बल्स एक्स, मान लेते हैं कि एक्स मार्बल हमारे इसमें डाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड, कितना पानी का लेवल बढ़ा है। तो वन मार्बल में हम फॉर्मूला लगा देंगे और इसमें लगा देंगे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सभी को आ गया होगा समझ में, पाई से पाई कट गया, वैल्यूज पुट कर दो। फोर अपॉन थ्री स्मॉल आर की जगह 0.7 0.7 0.7 इक्वल टू कैपिटल आर की जगह 7/2 7/2, एच की जगह 5.6। ये कैलकुलेशन सभी को करनी है अपने आप, और इसका आंसर लिखा है इसी का ने और मैंक ने, सही होगा 150। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो सभी। ए मैसन कंस्ट्रक्ट ए वॉल ऑफ डायमेंशन दिस दिस दिस, एक दीवार बनानी है जिसके डायमेंशन दे रखी है लेंथ ब्रेथ और हाइट, और विद द ब्रिक्स ईच ऑफ साइज दिस दिस दिस। इट इज एज्यूम दैट 1/8 स्पेस इज कवर्ड बाई द मोर्टार। मोर्टार का मतलब उसमें जो मैटेरियल यूज कर रहे हैं आपको बनाने के लिए, वो मैटेरियल 1/8 है, जितना टोटल स्पेस है उसका 1/8 मैटेरियल ले रहा है। तो बताना है कितनी ब्रिक्स लगेंगी उस दीवार को बनाने के लिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज टू कंस्ट्रक्ट द वॉल। उस दीवार को बनाने के लिए कितनी ब्रिक यूज होंगी ये हमें बताना है। तो सबसे पहले काम देखो जो वॉल है उसके डायमेंशंस क्या है। मैं सीधे सीधे कर रहा हूँ कैलकुलेशन, तो मेरे को बताते रहना आंसर में। वॉल्यूम ऑफ वॉल एल बी एच, करो कैलकुलेशन करके कमेंट में लिखो, चाहे कैलकुलेटर से करो चाहे कैसे मर्जी करो, फिलहाल ऐसे भी कर सकते हो। 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे, और इन तीनों की मल्टीप्लाई करके बता दो जल्दी कितना आ रहा है।
मैं लिख देता हूँ, चलो 2835, इतने सेंटीमीटर क्यूब, ये टोटल वाल का वॉल्यूम है। अब हमें निकालेंगे कि कितना स्पेस फील्ड हुआ है मोर्टार से, टू एट थ्री फाइव इंटू वन अपॉन एट, ठीक है। तो एट से इसको डिवाइड कर लेंगे, थ्री फाइव फोर थ्री 750, इतना मोटर ने फिल्ड कर दिया। तो स्पेस, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा जिसको प्रॉब्लम होगी, स्पेस फिल्ड बाय ब्रिक्स, तो कितना स्पेस ब्रिक ने फिल्ड किया, फिल किया, ये माइनस कर देंगे। माइनस करके जो आएगा हमारा वो आंसर होगा, आंसर नहीं होगा सॉरी, वो हमारा क्या होगा, कितना स्पेस ब्रिक ने लिया है। तो माइनस करके हमारा ये आ रहा है 2408062 50, ठीक है। अब कोई बताएगा आगे क्या करना चाहिए, ये ब्रिक का आ गया, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक निकाल लेंगे। अब एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना होगा, 22.5 11.5 × 8.75, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये मेरे को कमेंट में लिखो सभी और बताओ जल्दी से, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, इतना स्पेस फिल किया है ब्रिक्स ने और एक ब्रिक का वॉल्यूम है इतना, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है लेकिन क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो इसको कैलकुलेट करके आएगा वो आंसर होगा। हाँ ठीक है, आर सी ने और अंजलि उसने सही बताया, श्रीका ने। तो इसको सॉल्व कर लेना क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है सारी ये। कितना आंसर, 11200, ये आंसर आना चाहिए अगर कहीं कैलकुलेशन में गलती नहीं है तो। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ये किसी को पूछना हो तो देख लो। पहले हमने वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल दिया, एक दीवार का वॉल्यूम,
फिर उसमें कितना मोर्टर लगा हुआ था, कितना मटेरियल था जो ब्रिक के अलावा लगा था, 1/8। फिर हमने निकाल लिया कि ब्रिक ने कितना वॉल्यूम कवर किया, दोनों को माइनस कर दिया, फिर एक ब्रिक का वॉल्यूम और फिर डिवाइड करके नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं बस, क्योंकि अभी बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं। चलो देखो, क्वेश्चन लिखो, सभी साथ के साथ लिख सकते हो। वाटर इज फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इंटू ए रेक्टेंगुलर टैंक विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड। सभी को करना है क्वेश्चन। डिटरमाइन द टाइम इन विच द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक विल राइज बाई 7 सेंटीमीटर। करो सभी ध्यान से। एक पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की रेट से। पाइप का डायमीटर गिवन है और उससे वो पानी जो है रेक्टेंगुलर टैंक में जा रहा है जिसकी लेंथ ब्रेथ दे रखी है, और ये दे रखा कि पानी का लेवल 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो कितना टाइम लगेगा? एट क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी। हमेशा ये याद रखना होता है कि यूनिट सारी सेम होनी चाहिए। ये सिलेंड्रिकल पाइप से पानी का फ्लो हो रहा है जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। है ना? यानी 7 सेंटीमीटर।
या 7/100 मीटर, बीच वाली यूनिट कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये किलोमीटर में, ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, तो मीटर में सबको कर लेते हैं। और स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, सभी करो, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन लिखेगा। रेडियस ऑफ पाइप, पाइप का रेडियस है 7/100 मीटर। लेंथ ऑफ वाटर फ्लो इन 60 मिनट, 60 मिनट में 5000 मीटर पानी का फ्लो हो रहा है, तो ये हमारी हाइट हो गई। तो लेंथ ऑफ वाटर इन 1 मिनट, तो 1 मिनट के लिए हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, 250/3। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना पानी जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि दूसरी तरफ क्यूबॉइड है। 7/100, 7/100, 250/3, इतने मीटर क्यूब पानी 1 मिनट में जाएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लो, बाकी इसको बाद में जब इक्वल टू में रखेंगे तब कर लेंगे। 7 से 7 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई, और 5 से 5 2 जा 5 5।